आइए इस सिलसिले की आखिरी कड़ी जनाब डॉक्टर साजिद हुसैन साहब जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गोरखपुर यूनिवर्सिटी में शोबे उर्दू में। मैं चूंकि वक्त हो चुका है और आप हजरात चाहते हैं कि मुशायरा जल्द शुरू हो, बस ये आखिरी कड़ी जिस तरह मुशायरे का आखिरी शायर जो है वो बड़ा कीमती होता है, इसी तरह इस तबसरे का जो आखिरी मुबस्सिर हैं जनाब डॉक्टर साजिद हुसैन साहब वो भी बड़े कीमती हैं। मैं उनसे मुद्दमाना गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कीमती ख्यालात का इजहार फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम, डाइस पर तशरीफ़ फरमा, मोअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी, हमारे अजीज सामीन, तमामी शुरा कराम जो शहर और अतराफ से तशरीफ़ लाए, आज साजिद अली मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से और दायरे अदब के अराकीन की जानिब से इतनी खूबसूरत महफिल सजाई गई, अभी शेरी नशिस्त का इनेकाद होना है। ऐसे मौके पे मारूफ शायर सहाफ़ी अदब नवाज आसिम गोंडवी साहब की किताब का रस्म इजरा अमल में आया। ये आसिम गोंडवी साहब की 17वीं तख्लीक थी, 17वीं किताब थी, 17वां मजमू कलाम तो नहीं कह सकते चूँकि इसमें कई सवानी किताबें भी हैं, सवानी खाके भी इन्होंने खींचे हैं, किए हैं। आसिम गोंडवी साहब यूं तो बहुत सादा लौह इंसान दिखते हैं, रहे हैं, पूरी ज़िंदगी इनकी बहुत सादगी से इन्होंने गुजारी है। दरस व तदरीस के साथ साथ ज़िंदगी में इन्होंने ज़िंदगी को एक बेहतरीन तरीके से गुजारा है, यूँ कहा जाए कि दीनी तालीम भी इन्होंने हासिल की, दुनियावी तालीम भी हासिल की, हाफिज़ कुरान भी रहे। जिस तरीके से ये सादा लोग इंसान हैं उसी तरीके से इन्होंने इनकी शायरी को पढ़ने से अंदाज़ा लगता है कि इनकी पूरी शायरी सादगी, सलासत, रवानी इनकी शायरी में देखने को मिलती है। इन्होंने हम्द, नात, गज़ल, रुबाई तमाम सिर्फ में तबाजमाई की, लेकिन आखिरी यूँ कहा जाए कि मेन इनका जो इनकी फील्ड रही है वो नात रही है। नात इस वजह से कि यूँ कहा जाए कि आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत, उनसियत, मोहब्बत का जज्बा इनके नात में पूरी तरीके से रचा बसा हुआ दिखाई देता है। मैं ऐसे मौके पे चूँकि वक्त बहुत कम है, मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और ख़ासकर साजिद अली मेमोरियल सोसाइटी की जानिब से, ख़ास करके हारिस भाई को जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई। और हमने जब कार्ड देखा और कैलेंडर पे नाम की एक फहरिस्त देखी तो हमने देखा कि किसी को आपने छोड़ा नहीं बल्कि सबको समेटने की कोशिश की है, सबको आपने दावतनामा दिया। ये बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि हम सब एक साथ जब भी हों तो इकट्ठा हों। ऐसे मौके पे आपने सबको समेटने की कोशिश की है। हम ऐसे मौके पे अभी हम देख रहे थे दो शेर आपके बंद हुआ बाज़ार से मैंने पढ़ने की कोशिश की है। इन्होंने कहा कि दोनों घर अल्लाह के क्या मस्जिद क्या दैर, दोनों घर अल्लाह के क्या मस्जिद क्या दैर, फिर क्यों अपना एक को समझूं गैर। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी शेर। और कहा कि अपने रब के सामने रख अपना कशकोल, अपने रब के सामने रख अपना कशकोल, कृपा से वो भीख में देगा तुझको तौल। क्या बात है, बहुत अच्छी शायरी आपने की। फिर एक बार हम आपको मुबारकबाद देते हैं, साजिद अली मेमोरियल सोसाइटी को भी बहुत बहुत शुक्रिया। बस बस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया
मोहतरम डॉक्टर साजिद हुसैन साहब, प्रोग्राम का पहला हिस्सा बड़ी खूबसूरती के साथ मुकम्मल हुआ। ये प्रोग्राम जो साजिद अली मेमोरियल कमेटी के ज़ेर एहतमाम फुलवारी मैरिज हाउस में मुनक्किद किया गया, इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने में जिन जिन लोगों ने हमारा तआवुन किया और जिन जिन लोगों ने हमारी हौसला अफजाई की, मैं सिर्फ उनका नाम लेकर अगर शुक्रिया अदा करूं तो नहीं अदा कर सकता, लेकिन इसके अलावा मैं कुछ कर भी नहीं सकता। मैं जनाब महबूब सईद हारिस साहब के साथ साथ फुलवारी मैरिज हॉल के जो प्रोपराइटर हैं, मालिक हैं, मंजर हुसैन साहब, उनका भी इंतहाई ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने ये जगह दी और बड़ी ही मोहब्बत के साथ, बड़े ही इखलास के साथ फौरन उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ प्रोग्राम कीजिए। दूसरे हमारे जो कर्म फरमा, जो आज जो इस तरह की मजलिसों में अमूमन बहुत कम आया करते हैं अपनी बीमारी की वजह से, अपनी मसरूफियत की वजह से, उनको एक जगह जमा देखकर इंतहाई मुसर्रत हो रही है। शायद आप लोगों में से ये बात कम लोगों को मालूम हो कि यहाँ डॉक्टर लायक अहमद साहब भी तशरीफ फरमा हैं, जिनके पास उर्दू मुशायरों की बहुत सारी वो ऑडियो कैसेट मौजूद है जो बड़े से टेप में बजा करती थी, और उमर कुरैशी साहब की निज़ामत के कई मुशायरे मेरे ख्याल में अब भी डॉक्टर साहब के पास मौजूद हैं, और अगर उसको नए सिरे से बनवाया जाए तो वो उमर कुरैशी साहब की निज़ामत के बहुत सारे हिस्से वो हमारे दरमियान आ सकते हैं, हम उससे फैजियाब हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब से मुलाकात करके एक जदीद ये दौर है, बहुत सारी तकनीक हैं, उसका इस्तेमाल करके वो चिप्स में वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं और मोबाइल के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए उसको आवाम के सामने पेश भी किया जा सकता है। तो मैं अगर एक एक लोगों का नाम लेता चलूं तो ये फहरिस्त बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि बरसबील तस्करा ये बात आ गई थी। अब मैं चाहता ये हूँ कि हमारे वो बाहर के शोराए कराम जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए, जिनसे मिलने का मुझे बहुत शौक था, मुबारकपुर से फराज अदीबी साहब, घायल मुबारकपुरी साहब आए, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। उतरौला से बेहतरीन नाज़िम मुशायरा जनाब उस्मान उतरौलवी साहब आए, और बस्ती से जनाब अबरक साजिदी बस्तवी साहब तशरीफ़ लाए, हाटा से अब्दुल हमीद आरजू एडवोकेट, कुशीनगर से जनाब डॉक्टर अर्शी बस्तवी साहब, कप्तानगंज से डॉक्टर इम्तियाज समर साहब, गोंडा से जनाब आतिफ गोंडवी और कासिम गोंडवी साहब साहिबान, और यहाँ गोरखपुर से इतने हजरात। मैं मुसलसल हफ्ते भर से जनाब अनवर ज़िया साहब की सरपरस्ती में इस प्रोग्राम को मुनक्किद करने की कोशिशों में लगा हुआ हूँ, और मैं बिल्कुल थक भी चुका हूँ, लेकिन मुझे बड़ा हौसला मिला कि जब मैंने देखा कि हमारे काम को आगे बढ़ाने के लिए हमसे बेहतर लोग यहाँ पर दो दो मौजूद हैं, यानी एक तो हमारे मेहमान नाज़िम मुशायरा जनाब उस्मान उतरौलवी साहब, और दूसरे हमारे करम फरमा हमारे भाई जनाब मोहम्मद फरूख जमाल साहब, तो मुझे बड़ा सुकून महसूस हुआ कि अब आगे का काम ये संभाल लेंगे और मैं इससे बचकर अपनी एक अलग सीट पर बैठकर इस पूरे प्रोग्राम से मजबूत भी होऊंगा, लुत्फानंदोज भी होता रहूँगा। तो मैं अब चाहता ये हूँ कि यहाँ से मुशायरे को बाकायदा तौर पर चलाने के लिए मैं गुजारिश करूं जनाब उस्मान उतरौलवी साहब से कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं, और आज के इस प्रोग्राम की जो कि मुशायरे की शक्ल में है, इसे आप आल गोरखपुर कह लें या आल पूर्वांचल कह लें, ये आल पूर्वांचल तो खैर है ही, वो उसकी निजामत फरमाएं। और साथ ही साथ मैं मोहम्मद फर्रुख जमाल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएं, इसलिए कि उस्मान साहब शायद मकामी शोरा से उतना वाकिफ ना हो जितना कि आप हैं, तो आप तरतीब बताते रहेंगे, उनके बारे में बताते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का, तमाम
हमारे जो मेहमान आने खसूसी हैं, हमारे जो मेहमान हैं, वो हमारे जो इस वक्त तशरीफ लाए हैं, मैं सबका ममनून मशकूर हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप आखिर तक इस मुशायरे में बैठे रहेंगे, हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। याद रखिए, यकीन कीजिए कि जितने मुशायरे आजकल हो रहे हैं, ये बहुत बड़े बड़े मुशायरों पर ये हमारा मुशायरा भारी अभी तक पड़ा है और आखिर तक पड़ेगा। जनाब उस्मान उतलौरवी साहब से गुजारिश है कि वो इस माइक के जरिए से अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। अस्सलामु अलैकुम। हाज़रीन महफिल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आज की इस खूबसूरत बज़ में आप यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। और चूँकि आज हमारे मेहमान नाज़िम मुशायरा जनाब उस्मान उतलौरवी साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, तो निज़ामत पूरी वही करेंगे। बंद हुआ बाज़ार जनाब आसिम गोंडवी साहब की किताब का आज ये रस्म इजरा। मैं ये कहूँ कि पूरी तरह से अबके तैयार होके निकले, पूरी तरह से अबके तैयार होके निकले हम चारागर से मिलने, बीमार होके निकले। पूरी तरह से अबके तैयार होके निकले हम चारागर से मिलने, बीमार होके निकले। और जादू भरी जगह है बाजार तुम न जाना, जादू भरी जगह है बाजार तुम न जाना। एक बार हम गए थे बाजार होके निकले, एक बार हम गए थे बाजार होके निकले। हजरत, ये फिराक और मजनू की सरजमीन है, यहाँ पर मुशायरे और अदबी नशिस्तों का अहतमाम होना एक लाजमी जुज़ है, बल्कि हमारे ज़ौक़ के फराहमी के लिए यह अदबी महफिलें यहाँ पर आरास्ता की जाती रही हैं। आज की एक शाम जो है जनाब आसिम गोंडवी के नाम, तो हक़ यह है कि हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, हमने एक शाम चिरागों से सजा रखी है, शर्त लोगों ने हवाओं से लगा रखी है। हवाओं के दोष पर चिराग रोशन करना ये सिर्फ अदीबों का फ़न है। हमने हमेशा मोहब्बत और मसावात की गुफ्तगू की है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इतना ही कहूँगा कि यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यही फ़िज़ा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। यही फिजा थी, यही रुत, यही ज़माना था, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी। धड़कते दिल से, लरसती हुई निगाहों से, हुजूर गैब में नन्ही से इल्तजा की थी कि आरजू के कमल खिल के फूल हो जाएं, दिलो नज़र की दुआएं कबूल हो जाएं। तो आज ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है। जनाब आसिम गोंडवी साहब की किताब का रस्म इजरा और आज के इस बेहतरीन निज़ामत के लिए मैं हिंदुस्तान के मायनाद नाज़िम मुशायरा जनाब उस्मान उतलौरवी साहब को यहाँ दावत कलाम दे रहा हूँ, ज़हमत सुखन दे रहा हूँ कि यहाँ पर आएँ और आज के बाज़ाब्ता तौर से आज के इस मुशायरे का आगाज़ करें। तालियों के साथ इस्तकबाल करें जनाब उस्मान उतलौरवी।